नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच सोलन के परमाणु के जाबली में सैकड़ों मुर्गे मुर्गियां मृत मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार जाबली के नजदीक NH5 पर चक्की मोड़ पर सड़क किनारे 500 के करीब मरी हुई मुर्गे और मुर्गियां फेंकी हुई पाई गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा मरे हुए मुर्गे और मुर्गियों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जालंधर भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग की टीम द्वारा बाकी मुर्गे मुर्गियों को गहरे खड्डे में दबा दिया गया है और जिस जगह ये पाए गए थे उस जगह को भी सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि ये बर्ड फ्लू का मामला है, ये किसी ने शरारत करके इनको यहाँ फेंका है। लेकिन एक साथ इतने मुर्गे मुर्गियों का मरना भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। गौरतलब है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पहले से ही हाई अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश के द्वार के समीप इस तरह मुर्गे मुर्गियों का मृत मिलना चिंता का विषय है। पशुपालन विभाग सोलन के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, जिसको लेकर विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जाबली के नज़दीक चक्की मोड़ पर कुछ मृत मुर्गे सड़क के किनारे फेंके पाए गए हैं, तो जब छानबीन करी पता चला तो और हमने वहाँ अपनी टीम इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बर्ड फ्लू के लिए जो हमने टीम बना रखी है उसको भेजा, तो पाया गया कि लगभग 500 के करीब मुर्गे जो है वहाँ पे मृत फेंके गए थे सड़क के किनारे। क्योंकि आजकल बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी बर्ड फ्लू है और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू, जो प्रवासी परिंदे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स में कांगड़ा ज़िले में पाया गया है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत उसकी सावधानी रखते हुए इनमें से बर्ड्स के सैंपल्स लिए गए हैं। वो सैंपल रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जलंधर RDDL जलंधर भेजे गए हैं और ये लग रहा है कि किसी शरारती तत्व या कोई सप्लायर जो था पोल्ट्री बर्ड्स का उसने ये मुर्गे फेंके हैं। अब किस वजह से ये मरे हैं ये अभी तो वहाँ प्रोटोकॉल के मुताबिक ना तो पोस्टमार्टम किया जा सकता था, इसमें अगर कहीं बर्ड फ्लू है तो पोस्टमार्टम भी परमिसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ से ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है वायरस का, तो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।